कटनी में एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। कुछ नकाबपोश लुटेरों ने बंदूक की नोक पर गोल्ड लोन बैंक से गोल्ड लूटा है। बताया जा रहा है कि लुटेरों ने बैंक कर्मियों के साथ मारपीट भी की और करीब 16 किलो सोना और कुछ नकदी लेकर फरार हो गए। कटनी के रंगनाथ में मनपुरम गोल्ड लोन बैंक से सोना और कुछ नकदी की लूट की गई। बैंक खुलते ही नकाबपोश लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान लुटेरों ने बैंक कर्मियों के साथ मारपीट भी की। बताया जा रहा है कि लुटेरे 16 किलो सोना और लगभग 3 लाख नकदी लेकर फरार हुए हैं। लुटेरों के भागते ही इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरे जबलपुर की तरफ निकले हैं। 10:30 बजे करीब लूट हुई है, जिसपे मतलब 6-7 लोग आए हुए थे। उन्होंने मतलब बंदूक दिखा के और अंदर घुस गए, सबको मारा पीटा और पूरा गोल्ड ले गए। सब किसी ने मास्क बांधा हुआ था, किसी ने हेलमेट लगाया हुआ था। हथियार सबके पास पिस्तौल है, जितने भी थे सबके पास पिस्तौल। बैंक से एक गाड़ी ले गए हैं और गोल्ड ले गए हैं। गोल्ड था सर 16 किलो करीब, अंदाजा लगाया गया। और कैश का कैशियर जो है वो बता पाएंगे कितना कैश ले गए हैं। यहाँ करीब 4-5 लोगों को तो मारे हैं, बहुत मारे हैं, बंदूक रख के वो तो मारे दे रहे। मैं जैसे यहाँ से निकला तो क्या मोबाइल भी उन्होंने रख लिया था। तो फिर जैसे मुझे सूचना मतलब तुरंत मैंने इन्फॉर्म किया कंट्रोल रूम, तो तुरंत मौके पे 2-3 मिनट के अंदर पुलिस प्रशासन आ गया। ये मणप्पुरम गोल्ड लोन स्कीम के तहत इस जगह पर जो भी पब्लिक है उसको सोना गिरवी रख करके लोन दिया जाता है। आज सुबह 10:25 से 10:40 की घटना है। 4 से 6 नकाबपोश और हेलमेट लगा करके और कुछ लोग यहाँ अंदर घुसे और बंदूक की नोक पर यहाँ के स्टाफ को डराया धमकाया और इनके लॉकर को खुलवा लिया गया। उस लॉकर में इनके छोटे छोटे जो गिरवी रखे हुए गोल्ड थे, जो 1 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम 10 ग्राम इस टाइप के पैकेट्स जो थे, वो लोगों ने झोले में भर लिया है और कुछ नकद राशि भी थी। और ये लेकर के 4-6 बदमाश लोग भाग गए हैं और पुलिस को जैसी सूचना मिली है तत्काल पुलिस यहाँ मौके पे भी आई है और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ भी हमारी चेकिंग चल रही है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।